नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 3 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। तटीय सफाई अभियान को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट www.swachhsagar.org लॉन्च की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न तीन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न चार की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला? इस प्रश्न का सही उत्तर है, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह के दौरान उन्हें शपथ दिलाई। आइए बढ़ते हैं प्रश्न पांच की तरफ। गुजरात के निम्नलिखित में से किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न छह की तरफ। निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है, जापान की अकाने यामागुची ने चीन की चेन युफोई को 21-12, 10-21, 21-14 से हराकर टोक्यो में अपने घरेलू दर्शकों के सामने अपना बैडमिंटन महिला विश्व खिताब बरकरार रखा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न सात की तरफ। निम्नलिखित में से किसने BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है, डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने टोक्यो जापान में फाइनल में थाईलैंड के कुनलावुत विटेडसन को 21-5, 21-16 से हराकर 2022 BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता। आइए बढ़ते हैं प्रश्न आठ की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नौ की तरफ। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को 3 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ 5 मानकों पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 10 व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर सभी रूपों में 100 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में खेल के तीनों प्रारूपों में 100-100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 3 सितंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए, मैं हूँ आपकी आरजे प्रियंका, धन्यवाद।